हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें झटपट खाना को, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे कोई भी लेटेस्ट रेसिपीज आपसे मिस ना हो, एंड इट्स टोटली फ्री। तो दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ वो है शादियों वाला दाल गोश। मुंबई हो, हैदराबाद हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह शादियों में दाल गोश सर्व किया जाता है। तो जो भटियारों का दाल गोश होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है, और वैसा टेस्ट घर के दाल गोश में आना थोड़ा मुश्किल है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि शादियों वाला दाल गोश कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने का क्लियर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए झटपट देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए हैं दो कुकर। एक कुकर में मैं गोश्त पकाने वाली हूँ और एक कुकर में मैं दाल पकाऊंगी। अगर आप लोगों के पास दो कुकर नहीं है तो आप इसे 1 बाय 1 भी पका सकते हैं। दाल और गोश्त को पकाने के बाद हम लोग इसे मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले कुकर में मैं ऐड करूंगी मटन। यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg मटन, ये विद बोन है, और इसे मैंने अच्छे से क्लीन करके 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 बड़े प्याज, जिसे मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने टोटल 6 बड़े प्याज काट के रखी हुई है। इसमें से आधी मैं इसे बाद में बघारने के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 बड़ा टमाटर, जिसे मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने 4 बड़े टमाटर काट के रखे हुए हैं, तो पूरा दाल गोश बनाने के लिए हमें लगेंगे 4 बड़े टमाटर। और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। और 2 टेबलस्पून ऑयल हम लोग ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। और इसे हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून जिंजर पेस्ट। और 2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। और अब हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब पानी। आप लोग चाहे तो आप इसमें सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। और कुकर का ढक्कन लगा के हम लोग इसे 20 से 25 मिनट तक पका लेंगे, या फिर जब तक पकाएंगे जब तक ये मटन अच्छी तरीके से पक नहीं जाता। अब दूसरे कुकर में हम लोग दाल को पका लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप चना दाल। और आधा कप मसूर की दाल और आधा कप तूर की दाल, टोटल 2 कप दाल है। इन दालों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख लिया। देखिए, मैंने ये वाला कप यहाँ इस्तेमाल किया है। तो ये 1 कप भर के मैंने लिए चने की दाल, और 1 कप में आधा कप तूर और आधा कप मसूर की दाल मिक्स कर लिए। अब कुकर में हम लोग ये दालें ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा टमाटर, जिस तरह से चॉप कर लिया है मैंने। आधा टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और 2 ग्लास के करीब पानी ऐड करेंगे, या फिर इतना ऐड करें कि जो दाल है वो अच्छी तरीके से भीग जाए। और अब कुकर का ढक्कन लगा के हम लोग दाल को अच्छी तरीके से पका लेंगे। इसकी हम लोग 1 सीटी लेंगे हाई फ्लेम पे और 3 सीटी लेंगे स्लो फ्लेम। अब हम लोग बाकी मसाले की तैयारी कर लेंगे। तो एक टम्बलर में मैं ऐड करूंगी 5 से 6 हरी मिर्चें। और 1 टीस्पून जीरा।
और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, और इसको हम लोग एक फाइन पेस्ट में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से पीस लिया है। अब इसे हम लोग साइड में रख लेंगे। तो देखिए, दाल भी पक चुकी है और गोश्त भी गल चुका है। तो जब तक ये कुकर ठंडे हो रहे हैं, हम लोग इसे मिक्स करने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा पतीला, और उसमें मैं ऐड कर दूंगी 3 टेबलस्पून ऑयल। इसे मिक्स करने के लिए हमें बड़ा पतीला ही इस्तेमाल करना है, ताकि हम लोग इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर सके। जब ये तेल गर्म हो जाएगा, हम लोग इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। यहाँ पे मैंने लिया है 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 स्टार एनीस, 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 10 लौंग और 2 छोटी इलायची। इन खड़े मसालों को हम लोग अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, जब तक इसकी खुशबू नहीं आना शुरू हो जाती। और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी प्याज, जिसे मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है। और इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब प्याज को हम लोग जब तक फ्राई करेंगे, जब तक ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट और गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। तो जब तक ये प्याज फ्राई होती है, हम लोग दाल को घोट लेंगे। तो दोनों ही कुकर यहाँ पे ठंडे हो चुके हैं, और इनका जो प्रेशर है वो अपने आप रिलीज हो गया है। अब जो दाल का कुकर है, मैं उसे खोल लूंगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दाल कितनी अच्छी तरीके से गल चुकी है। अब इस दाल को हम लोग अच्छी तरीके से घोट लेंगे, यानी मैश कर लेंगे। इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैश करना है। इसे घोटने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि दाल के कोई लम्स नहीं बने। और अब हम लोग मटन के कुकर को भी खोल लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये भी अच्छी तरीके से पक चुका है। हम लोग मटन को एक बार चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से गला है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मटन भी अच्छी तरीके से गल चुका है। तो अब हमारा दाल और गोश्त दोनों तैयार है। अब इसे हम लोग साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे जो प्याज है, वो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून जिंजर पेस्ट। और 2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। और इसे हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता और इसकी जो रॉ स्मेल है वो नहीं चली जाती। तो मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है, और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची और जीरे का पेस्ट, जो हमने बना के रखा था स्टार्टिंग में, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे हम लोग जब तक पकाएंगे, जब तक ये अच्छी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। तो अब ये ड्राई हो चुका है, और अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 1/2 kg लौकी, इसे आप दूधी भी बोल सकते हैं। दूधी को मैंने पील करके इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट किया है, और इसे हम लोग 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े टमाटर, जिसे मैंने इस तरह से चॉप करके रखा है। और इसे भी हम लोग अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग कुछ पाउडर स्पाइसेस। यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार हम लोग इसे करेंगे। मैंने मटन और दाल दोनों में ही नमक ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पे मैं ज्यादा नमक ऐड करूंगी। और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अब हम लोग इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 कप के करीब पानी आप इसमें ऐड करें। और अब इसे कवर करके हम लोग स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, जब तक ये जो लौकी है वो गल नहीं जाती। ये देखिए, 15 मिनट तक मैंने इसे स्लो फ्लेम पे पका लिया है,
और जो लौकी है वो अच्छी तरीके से गल चुकी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो लौकी के पीसेस है वो अच्छी तरीके से गल जाए, क्योंकि अक्सर वो कच्चे रह जाते हैं। और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे मटन पीसेस। तो इस तरह से आप मटन के पीसेस को निकाल कर इसमें ऐड करें। जो बाकी जो इसका पानी है वो हमें इसमें ऐड नहीं करना है, सिर्फ मटन के पीसेस हमें इसमें ऐड करने। और मटन के पीसेस ऐड करने के बाद इसे हम लोग हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। तो ये जो दाल है इसे मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और अब हम लोग इसे मटन में ऐड कर देंगे। अब जो ये दाल का कुकर है, मैं इसमें जो गोश्त का पानी बचा हुआ है वो ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से खंगाल के मैं मटन में ऐड कर दूंगी। अब इसे हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने लिए इमली, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून इमली होगी। इमली की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। तो इस इमली को आप लोग भिगो कर आधा घंटा रख लें और इसका पानी निकाल लें। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इमली का पानी निकाल के रखा हुआ है। अब इसे मैं दाल गोश्त में ऐड कर दूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग। और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। यहाँ पर मैं ड्राइड पुदीना इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास फ्रेश अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोगों के पास फ्रेश पुदीना अवेलेबल है तो आप फ्रेश ही इसमें ऐड करें। और अब हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बॉईल होने देंगे। देखिए हमारा दाल गोश्त अच्छी तरीके से बॉईल हो रहा है। इसे आप लोग स्लो फ्लेम पे बॉईल करें तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, ताकि जो सारी चीजें हैं वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और दाल गोश्त को हम लोग गैस से उतार लेंगे। अब इसे हमें तड़का देना है। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ी प्याज, जिसे मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये है कुछ करी पत्ते और 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें। तो एक पतीले में मैं ऐड करूंगी 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, और जब ये गर्म हो जाएगा मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज। और प्याज को हम लोग अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज यहाँ पे फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सूखी लाल मिर्चें और साथ ही में करी पत्ते, और इसे अच्छे मिक्स कर लेंगे हम लोग और सभी चीजों को हम लोग फ्राई होने देंगे। तो देखिए ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे दाल गोश में ऐड कर दूंगी। इसे ऐड करने के बाद हम लोग फौरन इसका ढक्कन लगा देंगे ताकि इसकी खुशबू दाल गोश में अच्छी तरीके से फैल जाए। अब गैस पे हम लोग गरम कर लेंगे कोयले का पीस इस तरह से। और दाल गोश के अंदर मैंने एक कटोरी रखी है, छोटी कटोरी, इसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लीन किया है। और कटोरी में हम लोग ऐड कर देंगे गरम किया हुआ कोयला। अब हम लोग इस पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑयल और फौरन इसका ढक्कन लगा देंगे ताकि जो स्मोक है वो दाल गोश में अच्छी तरीके से फैल जाए। स्मोक देने से इस दाल गोश को बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इस पतीले को हम लोग कवर्ड रखेंगे जब तक कि जो स्मोक है वो अच्छी तरीके से सेटल नहीं हो जाती। 5 मिनट तक मैंने इसे सेटल होने के लिए छोड़ दिया है। और अब हम लोग इसका ढक्कन हटा लेंगे। अब इस कटोरी को हम लोग बाहर निकालेंगे और दाल गोश्त को एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
अब हमारा शादियों वाला दाल गोश बनके तैयार है, हम लोग इसे सर्व कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारा शादियों वाला दाल गोश बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फॉलो करके दाल गोश बनाएं और आप लोगों का जो दाल गोश है, शादियों वाला दाल गोश जो होता है जैसे भटियारे बनाते हैं, उससे भी अच्छा बनके तैयार होगा। इस दाल गोश को आप भटियारों के स्टाइल में बने हुए बघारा राइस के साथ सर्व करें, आपको पूरी शादियों वाले दाल गोश की फीलिंग आएगी। बघारा राइस बनाने का वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल झटपट खाना को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।